नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेहरू खानदान की काली सच्चाई भाग 4 में। और आज हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की काली सच्चाइयों के बारे में। राहुल गांधी का जन्म 19 जून साल 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और माता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी थी, जो कि इटली से थी। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बड़े भाई हैं और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भी भारत देश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल में हुई थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए वह देहरादून के दून स्कूल में गए। यही दून स्कूल में उनके पिता राजीव गांधी ने भी पढ़ाई की थी। इसी दौरान राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर साल 1984 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सुरक्षा कारणों के कारण साल 1981 से लेकर 1983 तक राहुल गांधी की पढ़ाई घर पर ही हुई। साल 1989 में राहुल गांधी ने अंडर ग्रेजुएट के कोर्स के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन राहुल गांधी ने शिक्षा के एक वर्ष के भीतर ही कॉलेज को छोड़ दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने रॉबर्ट विश्वविद्यालय से रोलिन्स कॉलेज फ्लोरिडा से साल 1994 में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद साल 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री भी प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इनकी एमफिल की जो डिग्री है वो हमेशा शक के दायरे में रही है। उसके तीन कारण है। पहला कारण तो यह है कि इनकी डिग्री पर राहुल गांधी की बजाय राहुल विंची लिखा हुआ है। दूसरा कारण तो यह है कि इनकी डिग्री में प्लानिंग एंड पॉलिसीज विषय में 58% मार्क आए थे, जबकि पास होने के लिए कम से कम 60% मार्क होने चाहिए। और तीसरा कारण यह है कि यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने एमफिल की पढ़ाई साल 2004-05 में की थी, ना कि साल 1994-95 में। ग्रेजुएशन के बाद राहुल गांधी ने माइकल पोर्टर की मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में के कार्यालय के दौरान भी उन्होंने अपना नाम राहुल विंची ही रखा। राहुल गांधी के विरोधी इस नाम को उसका असली नाम बताते हैं, जबकि कांग्रेस के कुछ लोग कहना है कि ऐसा सिर्फ उन्होंने सुरक्षा कारणों की वजह से किया था। 27 दिसंबर साल 2001 में राहुल गांधी को अमेरिका के बोस्टन लुगान एयरपोर्ट पर अमेरिकी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया सरगना की लड़की के साथ $1.6 लाख की अवैध विदेशी मुद्रा के साथ और सफेद पाउडर यानी कि ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। उस वक्त सोनिया गांधी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मदद मांगी थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को संदेश भेजकर राहुल गांधी को छुड़वा लिया था। तब अमेरिका ने कुछ शर्तों पर राहुल गांधी को छोड़ दिया था। तब से लेकर आज तक राहुल गांधी कभी भी अमेरिका नहीं गए। इसके बाद साल 2002 में बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बने। राहुल गांधी ने मई 2004 को चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ भारतीय राजनीति में प्रवेश करने की भी घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव के लिए खड़े हुए और 1 लाख विशाल बहुमत से जीत हासिल की। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने भी उस क्षेत्र का निर्वहन किया था। साल 2004 में राहुल गांधी पर लगा बलात्कार का एक संगीन आरोप। आरोप लगाने वाली थी 24 साल की सुकन्या देवी, जिनके पिता बलराम सिंह इंदिरा गांधी के समय में निष्ठावान कार्यकर्ता थे। सुकन्या देवी ने आरोप लगाया कि 3 दिसंबर साल 2006 को राहुल गांधी अमेठी में अपने गेस्ट हाउस में थे, 7 दोस्तों के साथ रुके हुए थे, जिसमें से 4 विदेशी थे और वह सभी लोग शराब पी रहे थे। सुकन्या देवी रात 9 बजे राहुल गांधी को मिलने उनके गेस्ट हाउस पर पहुंची, जहां राहुल गांधी समेत सभी लोगों ने उसका बलात्कार किया और यह बात किसी को ना बताने को भी कहा, वरना उसे और उसके पूरे परिवार को जान से मार देने की भी धमकी दी थी। दूसरे दिन सुकन्या देवी अपनी माता के साथ पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज करवाने गई, तो थानेदार ने उस रिपोर्ट को लिखने से मना कर दिया और जांच का भरोसा दिया। उसके बाद सुकन्या देवी और उसकी माता दिल्ली गए। वहां उन्होंने राष्ट्रपति और न्यायाधीश को मिलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी उन्हें किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसके कुछ दिनों के बाद ही सुकन्या देवी और उनके माता पिता गायब हो गए। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक है? और अगले पार्ट में हम देखेंगे सोनिया गांधी के काले सच के बारे में। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना।